पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ, मेरे बेटे को बाप का नाम चाहिए। मैं नाइक साहब को भी यही बोलना चाह रही हूँ कि जितना मतलब ये सब चीजें मैं मुझे भी क्यों ये सब चीजों में घसीट रहे हैं, सारी चीजों में न्याय तो मिलेगा मुझे, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई चल रही है तो न्याय तो मुझे अवश्य मिलने वाला है, वो मुझे पूरा विश्वास है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक गणेश नाइक के खिलाफ कथित रेप का मामला दर्ज हुआ है, कोर्ट में इस वक्त विचाराधीन है। जिन्होंने शिकायत की है दीपा चौहान जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह थी, क्या आपके साथ प्रताड़ना हुई जिसको लेकर आपको केस दर्ज करना पड़ा? देखिए मेरे साथ में बहुत अन्याय हो रहा था और मैं जो चीज़ें मैंने नाइक साहब के सामने रखी थी वो मेरी कोई भी चीज़ों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मतलब जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए फिर मुझे न्यायालय जाना पड़ा। आपने बयान दिया कि कई बार उन्होंने नर्स और स्कूल यूनिफॉर्म, नर्स के कपड़े और यूनिफॉर्म में आपको आपके साथ उन्होंने ये किया, नाचने के लिए किया, आप इतनी प्रताड़ना इतने समय तक क्यों झेलती रहीं आप? ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकती। अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। वो ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और जो आपको सहायता मिलनी चाहिए थी उस तरह की सहायता गणेश नाइक जी से नहीं मिली, इसलिए आपने तकलीफ ये झेलते हुए अपने केस दर्ज कराया? जी हाँ, जब भी मैंने उनसे कुछ बात की प्रॉपर्टी के बारे में या हमें फाइनेंशियली सिक्योर करने की, जब भी मैंने बात की उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि मेरे पास में मेरे नाम का एक मोबाइल भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये तरह के जवाब मुझे मिल रहे थे तो मैं क्या करती। एक चीज जो भाई बात तभी आ रही है निकल के कि आप कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही, इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? ब्लैकमेल करने की बात कब आती है, जब मुझे पता ही नहीं है कि उनके पास में क्या संपत्ति है, नहीं है। मुझे तो शुरुआत से यही बोला गया है कि मेरे नाम पे एक मोबाइल फोन भी नहीं है, तो मैं इधर ब्लैकमेल करने की बात आती ही नहीं है। ये सब अफवाह है और ये मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश चल रही है। आपने कहा था कि अगर आपको न्याय नहीं मिला तो निश्चित तौर पे आप सरकार के भी पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। वैसे आपके मुद्दे को लेकर एनसीपी ने भी मोर्चा निकाला, आपको न्याय दिलाने में मदद की। मेरे लिए जितने भी लोगों ने जितनी भी चीज़ें की उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और यस, मैंने बोला है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए और मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं अपने बेटे के लिए मांग रही हूँ। तो मैं नाइक साहब को भी यही बोलना चाह रही हूँ कि जितना मतलब ये सब चीज़ें मैं मुझे भी क्यों ये सब चीज़ों में घसीट रहे हैं सारी चीज़ों में, अगर हो सकता है जितना जल्दी से जल्दी अगर वो अपने बच्चे को कोर्ट लेके जाके अगर उसे नाम दे देते हैं और उसका जो भी संपत्ति में उसका जो भी शेयर है वो दे देते हैं तो सब चीज़ें नॉर्मल हो सकती है। तो क्या वाकई इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको अभी धमकी आ रही है और उसके लिए क्या सुरक्षा के लिए आपने जो आला अधिकारी हैं पुलिस के उनसे आपने कोई कांटेक्ट किया, कोई अप्रोच आपने किया है? जी हाँ, मुझे जिस तरह से मुझे जिस तरह से दबाया गया, 27 साल मुझे दबाया गया है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। आज जब मैं कुछ करना चाह रही हूँ उसमें भी ये लोग मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स के थ्रू माध्यम से मुझे ये लोग बोल रहे हैं कि मैं अमेरिका चली जाऊँ, मैं थोड़े बहुत पैसे, मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ, मेरे बेटे को बाप का नाम चाहिए और ये मेरी जिद है कि मैं मेरे बेटे को उसके बाप का नाम मैं दिला के रहूंगी। आखिरी बार कभी आपसे बातचीत हुई नाइक साहब से और क्या आपने डायरेक्टली कुछ कोशिश की कि भाई इस मैटर को सुलझा लिया जाए, आपके बच्चे को न्याय मिले, आपको न्याय मिले? नहीं, देखिए अगर इस तरह से ये चीजें नहीं आती तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मिलता था न्याय। जब अब तक मुझे यही बोला जाता था कि जब तक मैं अपने बच्चे को नाम नहीं दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं पड़ेगी, लेकिन 5 साल के बाद में 10 साल हुए, 15 साल का आज मेरा बेटा हो गया, अभी तक उसको नाम नहीं मिला है। तो एज अ मदर मैं तो उसके लिए खड़ी रहूंगी ना, मेरे बेटे के साथ में जो अन्याय हो रहा है मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, आप बताइए। एक आखिरी सवाल, क्या अपील आप करना चाहती हैं? मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी कि जितना आपने मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे इसी तरह से मुझे सपोर्ट चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को मुझे न्याय ना मिले। इस वक्त हमारे साथ जो पीड़ित हैं, रेप पीड़िता हैं, जिन्होंने गणेश नाइक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है, उनकी वकील हैं एडवोकेट लूसी मैसी जी। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इस मामले का लीगल स्टेटस क्या है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? कल दोनों सुनवाइयाँ हो रही है, 376 की और मारहानी की भी। तो कल इंटरिम
बेल सुनी जाएगी और हो सके तो वो फाइनल ऑर्डर भी रहेगी. दैट इज व्हाट लास्ट टाइम हमें ऐसे बताया गया था. एक चीज जो इस मामले में खुलकर आ रही है, जो काफी लीगल जो एक्सपर्ट हैं वे मान रहे हैं कि जब रिलेशन बहुत लंबे समय तक हो जाता है, या यूं कहें कि जब लीव रिलेशन में लंबे समय तक एक आपसी सहमति से अगर लंबे समय तक रहते हैं तो उसमें 376 का मामला एडमिसेबल नहीं होता है. आप लीगल एक्सपर्ट हैं, क्या कहना है आपका इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हर एक का ओपिनियन जो है वो अलग होता है. हर एक कोर्ट के ओपिनियंस टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं. पहले जो 376 था उसकी तरफ देखने का ज़रिया हमारा अलग था, और आज जो हमारा उसे देखने का ज़रिया है वो अलग है. अभी रिसेंटली 2-3 डेज बैक एक हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की है जहाँ उन्होंने बेल रिजेक्ट की है, वेर इन कपल लिव इन में थे, और वह एक स्पेसिफिक नोटिंग है कि दोनों पार्टीज को सीरियसनेस और रिपरकशंस ये रिलेशनशिप के मालूम होते हैं. इट इज नॉट दैट यू आर इग्नोरिंग टू इट. सो देयर बेल हैज बीन रिजेक्टेड. तो इन 376 इन अ लिव इन रिलेशनशिप रिसेंटली देयर इज अ रिजेक्शन ऑर्डर. एक जो उन्होंने जो सीरियस कंसर्न उठाया है कि उनको लाइफ थ्रेट इस वक्त बड़ा है और तमाम धमकियां आ रही हैं, कई तरह के प्रेशर्स आ रहे हैं. पुलिस में अप्रोच किया है, पुलिस ने सुरक्षा भी दी है क्लाइंट को, 24/7 है. और धमकियां जो आ रही है इट इज़ लाइक आप इतने सालों के बाद आप झूठी एलिगेशंस कर रहे हो, आप ब्लैकमेल कर रहे हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग. अगर कोई 27 साल के बाद बाहर आ रहा है तो 27 साल वो पर्सन ने अपने चुप रह के वो कब तक चुप रहती. फाइनली उन्हें अपनी आवाज़ उठानी थी और उन्होंने ये आवाज़ अपने लिए नहीं, वो अपने बेटे के लिए जो एक्स मिनिस्टर गणेश नायक जी के हैं, तो वो एक सिक्योरिटी चाहती है बेटे के लिए जो उनका है, तो वो हक के लिए वो सामने आई हैं. ये मांग कितनी स्ट्रांग है, आपको लगता है कि कोर्ट में इसके लिए न्याय मिलेगा ही मिलेगा? यस, इसमें न्याय मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसी जजमेंट है जहाँ बच्चे आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप पैदा होते हैं वो बच्चों को एक मैरिड कपल्स का जो बच्चे होते हैं वो स्टेटस मिलता है. सो टेक्निकली यस, वी आर गोइंग टू गेट दैट. लॉ इज ऑन आवर साइड, हमारे तरफ लॉ है इस मुद्दे पे. और एज फार एज बच्चे के लिए आज इतने साल के बाद क्यों, तो बच्चा जो पैदा हुआ था वो अमेरिका में पैदा हुआ था जहाँ आपकी ऑप्शंस रहती है हस्बैंड का नाम दो या लेडी का नाम दो. सो वो रीज़न था व्हाई बेबी वाज बोर्न इन अमेरिका. अभी बच्चा इंडिया में है, अभी वो 14 साल का है, 15 एंटर कर रहा है. और अभी जो उसके स्कूल में जो है काफ़ी दूसरे बच्चे हैं वो उसे टीज करते हैं कि तेरे पास बाप का नाम नहीं, तेरे पास बाप नहीं है. और ऐसी कंप्लेंट मेरे क्लाइंट ने प्रिंसिपल को लिखी है जहाँ बच्चा मम्मी को लिख रहा है, मम्मा आई एम बीइंग tortured, you know, I am being all the time tagged that you don't have a father's name and I am being insulted and humiliated. और मेरे क्लाइंट ने मुझे और एक बात बताई कि यही बात जो है 2-3 साल पहले हुई थी जहाँ मिस्टर नायक खुद स्कूल में जाके वो बच्चे के साथ बात की थी. सो आई फील व्हेन आप इतना वो बच्चे के लिए कंसर्न हो तो आज आप ये कंसर्न क्यों नहीं दिखा रहे हो कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको समाज में जाना है, समाज उसे जीने नहीं दे रहा है. एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के सीरियस ऑफेंस में कई बार ऐसा होता है कि जब उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है तो वो भटक जाता है मुद्दे से. आपको लगता है कि जिस तरह से एनसीपी और दूसरे पार्टियों ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की या इसको आगे बढ़ाने की या इनके सपोर्ट में आने के लिए जिस तरह से मोर्चा आंदोलन हुआ, इसे क्या केस पर कोई असर पड़ सकता है? मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं. नहीं, केस और कोर्ट के ऊपर ये कभी भी भावी नहीं होगा. जो कोर्ट है वो जस्ट उसके सामने जो पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स और जो सच्चाई है उसके ऊपर ही चलेगी. आप लाख मुद्दे उठा लो जिनका यू नो रूट कॉज नहीं है, सो कोर्ट इज नॉट गोइंग टू लिसन टू दैट. कल 27 तारीख है और कल ही उनकी जमानत पर फैसला होने वाला है, आपका ओपिनियन? कल देखते हैं.
थैंक यू सो मच, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप थी एडवोकेट लूसी मैसी, जो पीड़ित हैं दीपा चौहान, उनकी आप वकील हैं और उनका प्रोटेक्ट कर रही हैं, और जिस तरह से आप उम्मीद कर रही हैं कि जो उस बच्चे का हक है, उस महिला का हक है, वो मिलना चाहिए। और अब ये मामला जो है कानून के दायरे में है, कोर्ट के हाथ में है कि उस पर क्या फैसला करता है। उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि जो फैसला हो सकारात्मक हो और सबके लिए हितकारी हो। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नई दिल्ली। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।